मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को लू चलने की चेतावनी जारी की है। पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गंभीर रोगी, बच्चे एवं बुजुर्ग दोपहर के समय धूप में न निकलने से बचें। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि आगामी 5 दिन में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, संभल, एटा, आगरा समेत 18 जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर समेत 34 जनपदों में शुक्रवार को लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बढ़ती तपन से बचने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों से लू से बचने के लिए अपील करने, साथ ही गंभीर रूप से बीमार और बच्चों एवं बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घर से न निकलने की सलाह देने के साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बहुत आवश्यक हो तो तभी निकलें और लू लगने से बचाव के लिए तरल पदार्थों का सेवन अवश्य करें।